क्या आप जानते हैं कि आपके नाम से कितने सिम एक्टिव हैं? नहीं ना, और अगर जानते भी होंगे तो मैं पक्का कहता हूँ कि उससे ज़्यादा सिम आपके नाम से एक्टिव होंगे। इसी चीज़ को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि आपके नाम से कितने हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के किसी भी या लैपटॉप के ब्राउजर में चले जाइए, वहाँ पर सर्च करिए टैफकॉप यानी TAFCOP, और जैसे ही सर्च करेंगे ये देखिए पहला रिजल्ट आएगा टैफकॉप कंज्यूमर पोर्टल करके, इसको आप खोल लीजिए। जैसे ही इसको आप खोलेंगे देखिए ये इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखिए ऊपर लिखा है कि केवल आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में ही काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अब हर जगह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़ करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा, उस पर OTP जाएगी, OTP को डालना पड़ेगा। तो देखिए ये मोबाइल नंबर डालने के बाद ये OTP डालिए, जैसे ही OTP डालेंगे ये कुछ इस तरह खुल जाएगा। देखिए ये जितने भी सिम आपके नाम से एक्टिव हैं वो उसका लिस्ट दिखाने लगे। इसमें कई सिम ऐसे हैं जिनको मैं, दो तीन सिम ऐसे हैं जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, तो जिनको नहीं जानता उनको उसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऐसे सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और रीजन बताऊँगा क्या रीज़न है। मैं यहाँ पर देखो यहाँ दो ऑप्शन है, नॉट रिक्वायर्ड यानी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा है कि दिस इज़ नॉट माई नंबर, तो मैंने नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर अपना नाम डालना होगा कि ये जो यूज़ कर रहा है उसका नाम क्या है, तो मैं अपना नाम इंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे आता हूँ और ये रिपोर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही रिपोर्ट पर मैं क्लिक करूँगा देखिए मुझे ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, मुझे ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। इस ट्रैकिंग आईडी का यूज़ करके मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि आखिर जो मैंने रिक्वेस्ट दी है बंद करने की सिम वो पहुँचा कहाँ है। इसको कैसे ट्रैक करेंगे, देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में वहाँ पे शो कर रहा है ट्रैकिंग नंबर डालने के लिए, वहाँ पर मैं अपना ट्रैकिंग नंबर डालूँगा और ट्रैकिंग नंबर डालने के बाद ऐसे सर्च करूँगा तो कुछ देर में देखिए इस तरह बता देगा कि अभी मेरा ये पेंडिंग है, चूँकि अभी मैंने किया है तो वो बता रहा है कि अभी पेंडिंग है। इस तरह करके आप पता कर सकते हैं। अच्छा, जानते हैं आपके नाम से कितने सिम एक्टिव रख सकते हैं? 9 सिम, भारत सरकार ने 9 सिम बताएं कि आप एक्टिव रख सकते हैं। उम्मीद है मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है। थैंक यू।